दोस्तों, स्वागत है आपको फाउंटेन पेंस रिव्यू पर। मैं डॉक्टर निमेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे पायलट की इस इंक पेन के बारे में। हम जानेंगे इसमें क्या क्या इश्यूज़ है। हालांकि अगर पायलट की मिड रेंज फाउंटेन की बात पेन की बात करें तो ये शायद सबसे बेहतरीन कैटेगरी है अगर आपको लेना है तो। विद इन 1000 to 1500 रेंज पर सबसे बेहतरीन अगर कोई पेन है तो ये है पायलट का ये पेन। तो हालांकि मेरे पास जो है ये वाइट टाइगर वाला है। आपको ये इस पैटर्न के लिए, इसका नाम वाइट टाइगर है, आपको ये ब्लू, ब्लैक, एस कलर, मेटेलिक ग्रे कलर में आपको मिल जाएगा, जिसके नाम हर तरह के आते हैं, जिस तरह से लिजर्ड, क्रोकोडाइल या फिर आपको मिल जाएगा पाइथन, इस नाम से ही सब आता है। सिर्फ इस जगह पैटर्न अलग होता है, कलर अलग होता है, ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है। तो इस पेन पर एक प्रॉब्लम है उसकी कन्वर्टर को लेके। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये लिखता कैसा है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही एलिगेंट लुक्स है इस पेन की। बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको बनाया गया है। जो ग्रिप है हैंड में वो भी बहुत लाजवाब है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। इस जगह में थोड़ी सी उछाल है जिसके कारण आपका हाथ नीचे तक नहीं जाएगा। नीचे जाने से अक्सर हम देखते हैं कि जो इंक होते हैं नीचे वो हाथ में लग जाता है, लेकिन इस पेन में इस उछाल के कारण कभी भी हाथ में ये लगने वाला नहीं है। तो मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, इसकी ग्रिप को, इसकी जो बॉडी है उसको, इसकी स्मूथनेस को, सब को। लेकिन जो चीज़ मुझको अच्छा नहीं लगता वो है इसकी जो बैरल अंदर में दिया गया है। देख सकते हैं ये जो बैरल अंदर में दिया गया है, ये एक प्लास्टिक बैरल, एक स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है और इसके बीच में ये रबर का एक बैरल है। ठीक है, इसको आप ऐसे दबाते हैं, इसको दबाते हैं तो ये इंक खुद ब खुद अंदर चला आएगा। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। आपको इंक की बोतल लेना है, और आपको सीधा इसको अंदर में घुसा के इस जगह में आपको दबाना है, तब जाके आपका इसमें रिफिलिंग होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप अगर इसको इस तरह से घुसा देते हैं तो जो इंक है ये पूरी चारों ओर से ये लग जाता है और बाद में ये अंदर की जो ढक्कन होते हैं, कैप है, वहाँ पर ये लग जाता है, जिसके कारण आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो मैं ढूंढ रहा था इसका ऑल्टरनेटिव, तो मैंने इसको इस तरह से इसको निकाल दिया। इस तरह से इसको निकाल के मैंने सीरिंज से इंक लेके मैं इसके अंदर में इसको फिलिंग करता रहा। लेकिन फिर भी मुझे लगा इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, जिसके कारण, हालांकि जितना मैं लिखता हूँ मेरा एक दिन भी नहीं जाता, दिन में दो बार मुझे फिलिंग करना पड़ता था। तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ में ढूंढ रहा था, तभी मुझे मिला ये पायलट का प्लास्टिक कार्टेज। तो 90 रुपीज़ में आपको ये, हालाँकि इसकी 100 रुपीज़ का MRP है, लेकिन आपको ये मिल जाएगा मार्केट पर 80 रुपीज़ में। तो इस तरह की कार्टेज आपको रिफिलिंग के लिए मार्केट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब को आप समझ सकते हैं कि शायद सिंगल यूज़ है। जी नहीं, ये सिंगल यूज़ नहीं, आपको इसको लगाना है इसकी जगह में, इसको आपको निकाल के फेंकना है और उसकी जगह पे आपको ये लगाना है। इसको इसके अंदर में इस तरह से आप इसके अंदर डाल दीजिए, आराम से ये फिट हो जाता है। तो लेकिन जब आपको ये ख़त्म हो जाएगा तब इसको फिलिंग करने के लिए आप सीरिंज की इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरिंज से आप इंक को लेके अंदर में घुसा के इसमें कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो ट्रेडिशनली देखने में दोनों सेम ही लगता है, लेकिन इससे इसमें बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, ऑलमोस्ट 1 ml से ज़्यादा इंक इसमें आ जाता है प्लास्टिक वाला बैरल पर, और लंबे वक्त तक आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ्रेंडली है, हालांकि ये इतना फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसको आप ऐसे करके जब लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता कितना अंदर में इंक जा रहा है। तो इसीलिए आप अगर
इस तरह की आप एक खरीद लेते हैं कर्टेज 90 रुपीस में, तो आपको 5 मिल जाएगा। तो एक को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें होते हैं इस स्टफ को आप एक दो आपके पास एक्स्ट्रा रख सकते हैं इमरजेंसी में, जब रिफिलिंग करने का जगह नहीं है तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा मैं भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको आराम से मैं दिखा देता हूँ, आपको एक सिरिंज से आपको इंक को लेना है और बस इसको धीरे से इसको फिलिंग करना है। ये देख सकते हैं, धीरे से इसको फिलिंग करना है, बाकी को रख दीजिए और इसमें इसको डाल दीजिए। बस ये हो गया आपका पेन रेडी फॉर रीयूज। सो दोस्तों बस इतना ही था। अगर आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही स्मूथ है ये पेन। और साथ में इसको खरीदना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको एक पोर्टेबिलिटी के साथ साथ यूज़र फ्रेंडली भी है ये कर्टेज। तो इससे भी अच्छा है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा वक्त के लिए आपके पास लोडिंग कैपेसिटी नहीं होगा। तो दोस्तों देखने के लिए इस चैनल को धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को अच्छा लगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।